अब्बास अली कैथून से, ये मेरे घर से मेरी बीबी है जेवन निशा, इनको भी नेशनल अवार्ड मिला है कोटा साड़ी पे। अच्छा अच्छा, आपको भी अवार्ड मिल चुका है? मेरे को भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, क्या करते हो? हम कोटा साड़ी का काम करते हैं। अच्छा, ये बुनाई का भी करते हैं, इसमें डिजाइन वीविंग पूरी ग्राफिक्स वगैरह पूरा काम। अच्छा, हम करके दिखाते हैं। सालों से करता? ये हमारी होश संभाला जब से, करीब 10 साल की आयु से मैं इस काम को करता हूँ। 50 वर्ष हो गए मेरे को। पहले वीविंग करते थे, अब थोड़ा बनवा भी लेते हैं, बनाते भी हैं। अच्छा, सारी फैमिली पूरी फैमिली यही काम करती है कोटा साड़ी का। जैसे हम 8 मेंबर हैं तो सब कोटा साड़ी का काम करते हैं। जी, क्या क्या अवार्ड मिल रहे हैं मेरे को? हाड़ौती पुरस्कार मिला है, नेशनल हाड़ौती पुरस्कार मिला है, अपने राज्य स्तरीय मिला है, नेशनल मेरिट मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार मिला है, और हस्तशिल्प जो प्रगति मैदान का उसमें भी मेरे को मेरिट सर्टिफिकेट मिला है। साल में? ये 89 में मिला था मेरे को। 91 में मेरे को नेशनल मेरिट मिला है। अच्छा। और सन 2016 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है। कर रही है आप लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट? तो अब वो तो क्या क्या मेरा मार्केटिंग नहीं है, तो हम तो मार्केटिंग प्राइवेट से मार्केट में भेजते हैं। गवर्नमेंट से हमने बहुत कोशिश किया हमें मार्केटिंग मिल जाए। अच्छा, ये खादी बोर्ड वगैरह में नहीं आता? नहीं 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 आता, ये बुनकर सेवा केंद्र से जो आता है, तो बुनकर सेवा केंद्र तो कोई अभी बनवा नहीं रहा है, मार्केटिंग नहीं दे रहा है। अच्छा, परिस्थिति तो परेशानी की है, तो परेशानी है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है? मेहनत एक एक तार का, एक एक तार का वीविंग का हम इसको तैयार करते हैं, एक एक कंघी में एक एक तार को इसको बनाते हैं, पूरा हाथ से, जैसे बोटीज वगैरह जो भी डिजाइन है तो पूरे हाथ से निकालते हैं। और जितने भी इसके लूम्स का जो काम होता है पूरा हमें करना पड़ता है पूरा। तो आप लोगों को बोलेंगे ये खरीदोगे? मतलब ये क्या खासियत क्या है, मतलब क्या अच्छा है इसमें? ये कोटा साड़ी बहुत कोमल और सॉफ्ट, मान लो एक तरीके से एयर कंडीशन साड़ी, बहुत बढ़िया साड़ी है। मतलब बहुत कंफर्टेबल होती है? बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा साड़ी है। अच्छा अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग हैंड होने की वजह से कॉस्टली होती है? ये हैंड की वजह से कॉस्टली होती है, इसका जो पावर का बनता है वो तो डुप्लीकेट। वो तो सिंथेटिक में क्या फर्क होता है? सिंथेटिक से तो डुप्लीकेट कपड़ा आता है, डुप्लीकेट पावर का बनता है, सिंथेटिक से पॉलिस्टर दाग आता है। ये ओरिजिनल कॉटन, ओरिजिनल सिल्क और ओरिजिनल जरी में, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ भी चलेगी? लाइफ भी है इसकी। कितने साल तक चलेगी? ये शरीर को आरामदायक भी है। और जो पॉलिस्टर की जो टेक वो तो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, एक दो साल में खराब भी हो जाती है और शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है, ये लाइफ लॉन्ग है। और जो जरी का है पक्की जरी से बनता है, सिल्वर एंड गोल्ड पे बनता है। अभी आने वाला जनरेशन क्या कर रहा है? वो अभी अब मजदूरी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, तो जो भी नई पीढ़ी है वो इस काम से दूर हटती जा रही है। आपकी एडवाइस क्या है? हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमें मार्केटिंग दिलाए, या तो ये धंधा थोड़ा जीवित रह जाएगा, चल सकता है। जी, और बच्चों के लिए क्या है जो यंग जनरेशन है? और बच्चों के लिए भी अब इस काम को तो का कई दूसरे काम में हम उनको लगा रहे हैं। जब तक इसमें मजदूरी नहीं मिलेगी तो कैसे लगाएंगे, पालन पोषण नहीं हो पाता है बराबर इसमें। ठीक है सर, शुक्रिया। हेलो, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम फरजाना बानो है। क्या कर रहे हो आप? ये कोटा डोरिया साड़ी बना रहे हैं। कितने साल से बनाते हो? ये 4-5 साल से बना रहे हैं। मैं तो 4-5 साल। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ पढ़ी हो? जी, MA फाइनल हुआ है अभी। वाओ, किस में? उर्दू में। उर्दू में? हाँ। बढ़िया। अच्छा, ये गाँव का नाम क्या है जहाँ पे आप कर रहे हैं? यहाँ का कैथून। क्या है? कैथून। हाँ, कहाँ पड़ता है ये? कोटा राजस्थान में पड़ता है। कोटा राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, 5 साल से बना रहे हो, मतलब आप क्यों बनाना शुरू किया? हर कोई बनाते हैं ये काम? जी, यहाँ पे सब बनाते हैं। सब बनाते हैं? हाँ। तो ये डिजाइन आपको मैन्युफैक्चरर से मिलता है? हाँ। सेलर से मिलता है? हाँ।
नहीं, ये ज्वेलरी बनवाते हैं सब। कितने दिन लग जाते हैं एक साड़ी बनाने में? इसमें एक डेढ़ महीना तो लगता ही है। एक डेढ़ महीना लगता है? हाँ। तो हजार दो डेढ़ हजार में भी मिल जाती है वो क्या समझ? वो वाली दूसरी थी, ये वाली ओरिजिनल है। इसमें वो ये प्योर सोना है और गोल्ड जरी भी है। अच्छा, गोल्ड है? हाँ, और ये सिल्वर है। क्या टाइम से करते हो काम? हम सुबह 8-9 बजे लग जाते हैं इसमें। अच्छा। फिर जब खाना होता है उठ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं वापस। कब तक? जैसे लंच होता है, लंच के लिए बैठ जाते हैं। डिनर तक काम करते रहते हैं? हाँ, शाम तक। वाह। तो ऐसे करने से एक डेढ़ महीना लग जाता है एक साड़ी को? 2 महीने भी खिंच जाते हैं। 2 महीने भी खिंच जाते हैं? हाँ। ऐसे जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अभी जैसे मैं अकेली कर रही हूँ ना, तो 2 महीने भी लग जाते हैं। हाँ, मतलब मम्मी और आप एक साड़ी पे भी काम कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, ऐसे कभी हुआ है कि गलत हो गया और खिंच गया? तो सही करना पड़ता है। हाँ। स्टार्टिंग में होता था ये? हाँ, स्टार्टिंग में होता है। किससे सीखा आपने ये? मम्मी पापा से। मम्मी से? पापा से भी? हाँ, दोनों से। पापा भी करते थे? हाँ, पापा को भी आता है। अच्छा, वो तो बोल रहे थे मैं करता नहीं हूँ। आता है पापा को भी। अच्छा, ये क्या है? ये गोल्ड है, गोल्डन थ्रेड है। हाँ, धागा है गोल्ड। अच्छा, ये वाला भी गोल्डन थ्रेड है? हाँ। ये गोल्ड, ये कॉटन? हम्म, गोल्ड कॉटन मिला के। सिल्क भी होता है क्या इसमें? सिल्क नहीं होता, सिल्क रेशम होता है। ये वाला है सिल्क? ये वाला सिल्क है। हाँ, कॉटन का है? ये कॉटन, ये वाले कॉटन है। और ये वाला है सिल्क। अच्छा, सही है। गुड जॉब, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। लेट्स मेक दिस अ बेटर वर्ल्ड। बाय बाय, थैंक यू। वेलकम।